नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राजस्थान के माउंट आबू में सर्दी ने फिर अपना डेरा जमा लिया है। यहां पर न्यूनतम तापमान रविवार को 3 डिग्री लुढ़कने के साथ -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तेज कड़ाके की ठंड का एहसास यहाँ आने वाले सैलानियों को देखने को मिला। साथ ही अपनी कार के शीशों पर जम गई बर्फ को कैनवास मानकर टूरिस्टों ने कई पिक्चर्स बनाई और अपनी कार की छत पर जम गई बर्फ को हटाकर सैलानियों ने यहां पड़ रही कड़ाके की सर्दी का जमकर लुत्फ उठाया। साथ ही घास के मैदानों में भी बर्फ की चादर जमती दिखाई दी। साथ ही सुबह अपने रोजमर्रा के कामों पर निकलने वाले लोग आसपास जल रहे अलाव को तापते हुए सर्दी से बचने का जतन करते नजर आए। अपने अनुभव को साझा करते हुए सैलानी कहते हैं कि यह नज़ारा उन्हें कश्मीर से ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। का जो नजराना है वो बहुत ही अच्छे से हम फील कर रहे हैं। यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कि -3 डिग्री रात को चला गया था और गाड़ियाँ पे पूरी चद्दर छा गई है बर्फ की, तो पूरी चद्दर इसी ऐसा लग रहा है। फील हम ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग जैसे कि कश्मीर में शिमला मनाली में नैनीताल में घूम रहे हैं और इतना अच्छा फील हो रहा है। अभी जैसे हल्की हल्की धूप निकल रही है और बारिश जो पिघल रही है गाड़ियों पर से, यहाँ पे ज़मीन पर से जैसे आप देखेंगे तो इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे कि मोती के बूंद छिलक रहे हैं और हमें बहुत ही आनंद फील कर रहे हैं इसके लिए और हम बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं यहाँ पे और हमको बहुत मज़ा आया है। 6 बजे उठा था ना रात को, मैं पानी पीने उठा था तो पानी की बोतलें इतनी ठंडी रखी है ना बाहर ही, अंदर फ्रिज के बिना इतनी ठंडी थी तो मेरे को लगा इतना ठंडा पानी तो मैं इसे नहीं पी जा सकता। तो मैंने केटल मंगवाया गर्म पानी का और उससे गर्म पानी केटल में गर्म पानी करके मैंने पिया क्योंकि अंदर माहौल इतना ठंडा है। मेरे फ़ोन का टफन ग्लास भी पूरा फॉग फॉग हो गया। मैंने पूरा रूम के अंदर हमको हीटर चालू करना पड़ेगा वरना हीटर के बिना तो रहा नहीं जाएगा, इसलिए फिर हमने हीटर ऑन करवाया रात को। कल रात को हम थोड़ा घूमे, ठंड का इतना भी पता नहीं था कि इतनी सारी ठंडी इधर भी हो सकती है, पर सुबह जब हम उठे तब हमने देखा बाहर आ गया तब सब गाड़ी पे बर्फ छाई हुई थी। वो देख के हमें तो बहुत मज़ा आ गया, थोड़ा एंजॉय भी किया वहाँ पे, सेल्फी बोर्ड भी फोटो भी लिए हमने। और फिर हम दोस्त को सब यही रेकमेंड करते कि आप आना हो तो इधर सर्दी में आओ तो कि आपको इधर का माहौल अच्छा पता चले और आप एंजॉय भी कर सके फैमिली के साथ भी।